पंचायत भड़गांव में पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है, जहां 10 बेड सुविधा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही वहां मरीजों के इलाज के लिए आरएमए डॉक्टर सहित कुछ नर्स की पदस्थापना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को जिस तरह इलाज मिल रहा है, उनसे भी बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए जनप्रतिनिधि सहित नगर के आम जन व प्रशासनिक अधिकारियों ने एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना की मांग कर रहे हैं। नगर पंचायत भड़गांव में पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है, जहां 10 बेड सुविधा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही वहां मरीजों के इलाज के लिए आरएमए डॉक्टर सहित कुछ नर्स की पदस्थापना है, जिनसे ही स्वास्थ्य केंद्र का काम चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को जिस तरह इलाज मिल रहा है, उनसे भी बेहतर इलाज मिल सके, ऐसा महसूस हो रहा है। इसी को देखते हुए क्षेत्र के जन प्रतिनिधि सहित नगर के आम जन व प्रशासनिक अधिकारियों ने एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना हो, ऐसा मांग कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो वर्तमान में पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भड़गांव में एमबीबीएस डॉक्टर के अभाव के चलते प्रशासनिक लोगों के साथ साथ आम जन को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक्सीडेंटल, जहर सेवन व एमएलसी जैसे जरूरतमंद इलाज के लिए मजबूरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ या प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि इस तरह के केसेस आने पर पीड़ितों व मरीजों को रायपुर, बिलासपुर सहित बलौदा बाजार जाना पड़ता है, जिस दौरान कई लोगों को रास्ते में ही जान गंवानी पड़ती है। यदि भड़गांव पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना होगी तो निश्चित ही क्षेत्र के लोगों व नगर सहित प्रशासनिक लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्र की जनता यहाँ मुजरर जैसे मारपीट वाले हो गए या जहर खुराने वाले हो गए, जैसे इस तरह की रिपोर्टें आती है तो हमारे स्टाफ के द्वारा उनको इलाज के लिए पीएससी बिलाईगढ़ जाना होता है। यदि स्थानीय भड़गांव में एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ हो जाने से यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ साथ में हमारे यहाँ जो मुजरर जो आते हैं, जो चोटिल, उन्हें इलाज के लिए बिलाईगढ़ भेजा जाता है, वो बंद होकर यहाँ भड़गांव से ही इलाज हो जाता है, तो ज़्यादा असुविधा होता। स्वास्थ्य केंद्र भड़गांव में एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किया जाना सही मायने में जनहित के लिए बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर के अभाव में भड़गांव के लोगों को शासकीय चिकित्सीय सुविधा के लिए बिलाईगढ़ या बलौदा बाजार जाना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर और स्वास्थ्य केंद्र सरसिवा में डॉक्टर की पदस्थापना है और वहाँ डॉक्टर कार्यरत हैं, लेकिन ट्रांस महानदी क्षेत्र में सबसे बड़ा कस्बा, सबसे बड़ा नगर होने के बावजूद भी भड़गांव में चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। निश्चित रूप से इससे आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के समुचित उपलब्धता में कमी आ रही है और भड़गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से एक डॉक्टर की पदस्थापना जनहित में उचित एवं आवश्यक होगा। भड़गांव एक नगर परिक्षेत्र है और आसपास के इलाकों में कोई इस तरह की सुविधा नहीं होने की वजह से सभी आसपास के मरीज, बीमार, ये सब भड़गांव में इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होने की स्थिति में मरीज लोग को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि दूर दराज तक में भी जाते हैं यहाँ से बिलासपुर, रायपुर, और अगर यह एमबीबीएस डॉक्टर होता तो इन सारी समस्याओं से आसपास अंचल और रहने वाले नगर स्तर में भी उनको भी सुविधा और आसानी होती इलाज कराने में। अस्तु, शासन से निवेदन है और करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ अतिशीघ्र एक एमबीबीएस डॉक्टर का पद स्थापना होना चाहिए। नगर के लोगों ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर, स्वास्थ्य केंद्र सरसिवा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना है, तो भड़गांव में क्यों नहीं, भड़गांव में भी होनी चाहिए।
वहीं लोगों ने आगे बताया कि विगत 10 वर्षों से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक MBBS डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है, जिसके चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ये कहना है कि बिलाईगढ़ ब्लॉक के सबसे बड़ा नगर पंचायत भड़गांव है। जनसंख्या की आबादी की दृष्टि से भी देखो तो हर दृष्टिकोण से बड़ा नगर होते हुए भी यहाँ MBBS डॉक्टर नहीं होना एक दुर्भाग्य का कारण है। और अन्य छोटे पंचायतों में जैसे सरथीवा ग्राम पंचायत है, उप स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर, सभी जगह MBBS डॉक्टर है। और यहाँ हो जाने से सुविधा ये बढ़ेगी कि लोगों को तत्काल एक्सीडेंटल मामला में बिलाईगढ़ न जाके यहीं इलाज हो जाएगा। और MBBS नहीं होने के कारण लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे भड़गांव नगर पंचायत बलौदा बाजार जिला में सबसे बड़ा नगर पंचायत है और दुर्भाग्य यह है कि यहाँ आज 10 साल से MBBS डॉक्टर की पदस्थापना नहीं है। जो भी MBBS डॉक्टर आते हैं उनको CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में पोस्ट किया जाता है और वहीं उनका काम लिया जाता है। यदि यहाँ के क्षेत्र के MBBS डॉक्टर मिल जाए तो आम जनता को छोटी मोटी समस्याओं में बहुत सहयोग मिलेगा। पोस्टमार्टम के लिए भी एक्सीडेंटल केस हो चाहे सुसाइड हो, किसी भी प्रकार के पोस्टमार्टम के लिए लोगों को दूर अंचल तक जाना पड़ता है। यदि यहाँ MBBS डॉक्टर हो जाए तो उन सब सुविधाओं के लिए आम जनता को बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे में इन तमाम स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर भड़गांव पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक MBBS डॉक्टर की पदस्थापना करना चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। बिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट।